यदि मैं चाहूँ तो एक बार में ही तुझे पराजित कर सकता हूँ, परंतु नहीं, मैं तुझे इस मल्लोद के हर गांव में पराजित करूँगा और तुम्हें तुम्हारे हर अधर्म को याद दिलाऊंगा, एक एक पाप गिनवाऊंगा और उनका तुम्हें दंड दूंगा मरने से पहले। उठिए मामा, क्या हुआ आपको? इतनी जल्दी आप कैसे हार मान सकते हैं? अभी तो बहुत दर्द मिलना बाकी है आपको। दर्द तो मैं तुझे दूंगा। कंस, ये तेरी उस छल का दंड है जो तेरे असर वृंदावन आकर अदन करते थे। आज धरा से पाप मिटेगा, धर्म अधर्म का नाश करेगा। आज धरा से पाप, मेरा ये प्रहार था संसार को बताने के लिए कि ईश्वर केवल एक है। नाश करेंगे असुर वंश का, जिस कारण अवतार लिए हरि पाप युगा भगवान कंस। आज समय वहाँ घड़ी है लाया, कंस का अब अंतिम क्षण आया। जिसका भय था वही हुआ। कंस की भुजाओं में संपूर्ण असुरों की शक्ति है प्रभु, आपको इससे बचना होगा, किसी भी हाल में बचना ही होगा। जिस भुजाओं से तुझे मुझे खिलाना चाहिए, उस भुजाओं से तूने मेरे छह भाइयों का हत्या किया है। आज उन्हीं भुजाओं को मैं काट डालूंगा। ये मेरे भैया बाबा को काला घाट में डालने के लिए। परमावतार श्री कृष्ण की, परमावतार श्री कृष्ण की, परमावतार श्री कृष्ण की, परमावतार श्री कृष्ण की। मूर्खों, परमावतार की जय नहीं, भगवान कंस की जय। क्योंकि ये मुझे जितनी बार मारेगा उतनी बार मैं उठूंगा, इसका सामना करूंगा, फिर इसे मारूंगा। तो बोलो भगवान कंस की जय। ये पूजा तोड़। आजा आजा, ये पूजाएं खींच ना, बोलो भगवान कंस की जय जय। खींच खींच खींच। तेरी मृत्यु का समय आ चुका है, इसलिए याद कर ले अपने सभी पापों को। तो भगवान कंस चाहते हैं कि तू अब मुझे मुक्ति दे। मुक्ति दे दे। परमावतार श्री कृष्ण ने कंस का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय का अध्याय आरंभ कर दिया। परमावतार श्री कृष्ण की जय। परमावतार श्री कृष्ण की जय। परमावतार श्री कृष्ण की जय। कृष्ण ने किन्ही कंस का वध श्री कृष्ण ने किन्ही पाप से धरती भय आतंक का दूर हुआ भय। हो रही श्री कृष्ण की जय जय। नंद वसुदेव जय, यशोदा देवकी जय। श्री कृष्ण परमावतार की। कंस का अंत हो गया? क्या सच में कान्हा ने कंस को मार दिया? कंस सामने मरा पड़ा है और आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ? हे मथुरा वासियों, हे ब्रजमंडल के गोप गोपियों, आप सभी में व्याप्त सन्नाटे से प्रतीत हो रहा है कि आप सभी को कंस की मृत्यु पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप सभी का मन कंस की मृत्यु को लेकर अविश्वास और संदेह से घिरा हुआ है। इस संदेह और इस अविश्वास को मन से दूर कर दीजिए और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि महाधर्मी अत्याचारी कंस अब जीवित नहीं रहा। ये पावन धरती उसके पाप से मुक्त हो चुकी है। कंस का अंत हो चुका है और उसका प्रमाण है धरती पर निष्प्राण पड़ा कंस का ये मृत शरीर। नहीं नहीं, कंस इतनी सहजता से नहीं मर सकता। हमें कंस के अधर्म से इतनी सरलता से मुक्ति नहीं मिल सकती। उसमें कल बल छल तीनों था। हो सकता है उसने मरने का स्वांग किया हो। हाँ हाँ, वो फिर से अचानक उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो पुनर्जीवित नहीं होता। यही विधि का विधान है। कंस का अंत हो चुका है, यही इस समय का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए निर्भीक होकर जाइए और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव मनाइए। हमारा कान्हा कह रहा है तो इसका अर्थ सत्य है। कंस की मृत्यु हो गई। हम तो यही जानते हैं कि कान्हा की कही बात मतलब पत्थर की लकीर। हाँ, तो हंसी बनाओ, खुशी मनाओ, ढोल और मृदंग बजाओ। यशोदा नंदन कान्हा की, यशोदा नंदन कान्हा की, परमाता श्री कृष्ण की जय, नंदन की जय, परमाता श्री कृष्ण की जय, नंदन की जय, परमाता श्री कृष्ण की जय, नंदन की जय, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। क्या हुआ मित्र, तुम्हारी आंखों में अश्रु? ये तो प्रसन्नता और गर्व के अश्रु हैं। हमारा कान्हा इतना बड़ा कार्य कर जाएगा ये तो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कान्हा ने इस सृष्टि को पाप मुक्त करके हमारा मस्तक गर्व से और ऊंचा कर दिया। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। देवकी, ये बेड़ियां अपने आप कैसे खुल गई? महाराज, केवल ये बेड़ियां नहीं, अधर्म की बेड़ियां खुली हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे पुत्र ने उस अधर्मी कंस का अंत कर दिया है। तुम इस बात को इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो देवकी? मैं एक माँ हूँ महाराज, और मैं अपने पुत्र की शक्ति और आत्मविश्वास को जानती हूँ। यदि आपको मेरी बातों पर संदेह है तो सुनिए, मथुरा वासियों के इस स्वर को सुनिए। हर्ष और उत्साह से भरा उनका स्वर इस बात का प्रमाण है कि मैं सत्य कह रही हूँ। तुम सत्य कह रही हो देवकी। आज हमारे कान्हा ने वो कर दिया जिसकी आस लगाए सारा संसार बैठा हुआ था। आज हमारे वर्षों की तपस्या संपूर्ण हुई है देवकी। वो आकाशवाणी संपूर्ण हुई है। देखिए महाराज, दुख के मेघ सदा के लिए छट गए। देवकी, वो देखो देवकी कैसे सारे लोगों ने कान्हा को अपने कांधे पर उठा के रखा। कितने गर्व वाला क्षण है देवकी। मुक्ति तुम्हीं से, बंधन तुमसे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया ऐसी संतान बड़े पुण्य से प्राप्त होती है नंद। हाँ मित्र, अपने पुत्र के ये सबका प्रेम देखकर मेरी तो आंखें भर आई है। कान्हा, कंस के सिंहासन की ओर क्यों जा रहे हो? देखने जा रहा हूँ बाबा कि अधर्म और पाप का सिंहासन कैसा होता है। ये मथुरा वासियों, आज संपूर्ण संसार के लिए बहुत ही सुख का दिन है कि स्वयं को भगवान कहने वाले अधर्मी अनाचारी कंस का अंत हो गया। धरती पाप मुक्त हो गई, संसार से अधर्म का नाश हो गया और आप सब लोग अधर्म की दास्ता से मुक्त हो गए। यशोदा नंदन श्री कृष्ण की, यशोदा नंदन श्री कृष्ण की। कंस के अंत का कारण उसकी अज्ञानता थी। उसे ज्ञान नहीं था कि मनुष्य भगवान का दास होता है। भगवान नहीं, किंतु वह स्वयं को ही भगवान समझ बैठा था। सत्य तो ये है कि कोई भी मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। नर में नारायण के गुण अवश्य हो सकते हैं जो ईश्वर के निकट उसे ला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नर नारायण हो सकता है, परंतु नारायण के लिए नर होना अत्यधिक कठिन है। किंतु कान्हा, कोई मनुष्य नर से नारायण कैसे हो सकता है? मार्ग क्या है? आचार, विचार और व्यवहार, ये तीन मार्ग है ईश्वर से निकटता प्राप्त करने के लिए। और कंस के पास ना आचार था और ना ही विचार था और ना ही व्यवहार। उसने जो बोया वही काटा। एक बात सदा स्मरण रखिएगा, मनुष्य को वही मिलता है जो संसार को देता है। इसलिए सदा सद्गुण के मार्ग पर चलिए। कंस ने सदा विनाश सोचा और विनाश किया, इसलिए अपने विनाश का कारण भी वह स्वयं बना। तुम सत्य कह रहे हो कान्हा। प्रत्येक जीव में परमात्मा वास करते हैं मथुरा वासियों, इसलिए सदा दूसरों का कल्याण सोचिए, उसके दुखों को दूर करने का सोचिए। दूसरों को कष्ट देने और उनके लिए दुखों का दलदल तैयार करने के लिए नहीं। हम सदा तुम्हारे बताए हुए मार्ग पे चलेंगे कान्हा। आप सबकी ओर से ये मेरे लिए मेरी विजय का उपहार होगा। तारणहार कान्हा की जय, तारणहार कान्हा की जय। हे मथुरा वासियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना रह गया, वो ये है कि हमें अपने जीवन में सदा धर्म, प्रेम और न्याय के प्रतीकों को अपने सामने रखना चाहिए, उनका ही अनुसरण करना चाहिए। अधर्म, पाप और अन्याय के प्रतीकों को नहीं। कंस तो नहीं रहा, परंतु उसके प्रतीक अभी भी हैं। उसका खंडन कर आपके जीवन से दूर फेंकने का कार्य अब मेरा शेष रह गया है, ताकि आपका नया जीवन मंगलमय हो। दाऊ, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं समझ गया कान्हा। यशोदा नंदन श्री कृष्ण की, यशोदा।